कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का एक वर्ष पूरा हो गया है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को की थी। जिसके एक वर्ष पूरे होने पर जिला कांग्रेस कमेटी विधायक समेत शहर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में 4,000 किलोमीटर पदयात्रा करने वाले क्रांति बंजारे और हिमानी बासनिक का सम्मान किया गया। पर एक महान यात्रा महात्मा गांधी के बाद इस मुल्क के अंदर किसी राष्ट्रीय नेता के द्वारा की गई, वो हम सबके नेता आम जनता की आवाज को सड़क से संसद तक ले जाने वाले गरीब मजदूर छोटा दुकानदार छात्र नौजवान उनकी आवाज को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाने वाले जिस राष्ट्रीय नेता की आवाज संसद में गूंजने से मोदी सरकार कांपती है डरती है, जिनकी आवाज को दबाने के लिए अनेकों न्यायालयों में फर्जी झूठे मुकदमे दायर किए गए,